मैक्सिमम मिनिमम पड़ेंगे यार। सपोज वाई कस टू एफ एक्स बी अ फंक्शन राइट ऐसा एंड द कर्व ऑफ दिस फंक्शन बी एज इन लाइक दिस राइट। तो एज वी नो एफ एक्स डिनोट हाइट ऑफ द ग्राफ राइट यस और यू कैन से वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्स इज द एलिमेंट ऑफ द डोमेन राइट। यस तो आप देखेंगे एक्स एक्स वैल्यू जो है ये एक्स की वैल्यू अगर ये होती है यहाँ पर ये वाली वैल्यू मान लेते हैं तो एक वैल्यू ये है इस वैल्यू के लिए दोनों वैल्यू के लिए बताओ फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम किस पर होगा और मिनिमम किस पर होगा। सर मैक्सिमम ये जैसे पहले कि वाला में वो होगा मिनिमम होगा सी C1 टू पर राइट C2 यस यानी कि ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हाइट को मैक्सिमम वैल्यू को लिख यस सकते हैं एफ सी वन कैसे लिख सकते हैं एफ हाँ सी टू। अब इसी को चेक करना होगा हमें कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एक्स के किस वैल्यू के लिए अटेंड करता है राइट। तो देर आर सम मैथमेटिकल टेक्निक वी विल यूज हियर। अब मुझे बताइए मैक्सिमम पॉइंट के लिए जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा नहीं होगा बताइए और मिनिमम पॉइंट के लिए जो होगा टेंजेंट वो भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा राइट। हाँ सर तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब होगा एंड वी नो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज एक्चुअली डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन राइट। यस सर तो ये टेंजेंट का स्लोप जो होगा मैक्सिमम पॉइंट पर वो कितना होगा। मींस डी वाई ओवर डी एक्स इस पॉइंट के लिए कितना आएगा। वो कैसे पता चले जीरो आएगा बिकॉज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है एंगल 0 डिग्री ओके होगा सर राइट। ओके सर और इस पॉइंट के लिए भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है यस यहाँ पर भी क्या होगा 0 होगा। तो प्रोसीजर हमारा क्या होगा मैथमेटिकली जो प्रोसीजर होगा वो होगा ये कि डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव को 0 पुट कर लेंगे राइट। और यहां से जो वैल्यू आएगा एक्स का सी वन सी टू जो भी आएगा ना सी वन सी यस टू ये वैल्यूज आएंगी इसमें एक्स की 1 हो सकती है 2 हो सकती है 3 हो सकती है राइट। हाँ सर ये वैल्यूज आएंगी लेकिन हमें ये पता नहीं होगा कि सी वन जो पॉइंट है मैक्सिमा के लिए है या मिनिमा के लिए है राइट या सी टू जो है मैक्सिमा के लिए मिनिमा के लिए होगा क्योंकि यस दोनों केसेस में क्या होगा दोनों केसेस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा टेंजेंट। पैरेलल तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं सेकंड डेरिवेटिव करते हैं सेकंड डेरिवेटिव डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर राइट। एक्सिस ये फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका ही एक बार डेरिवेटिव और कर देंगे और एक्स का वैल्यू पुट करेंगे बारी बारी से जैसे ही वन पुट किया एक्स के प्लेस पर डेरिवेटिव में सेकंड डेरिवेटिव में राइट। और इसका साइन चेक करेंगे क्या करेंगे चेक इसका साइन चेक करेंगे
साइन अगर नेगेटिव आता है तो ये जो वैल्यू है ना सी वन, इस वैल्यू को एक्स की वैल्यू को कहते हैं मैक्सिमम, रिमेम्बर राइट। इसकी वैल्यू जो एक्स की वैल्यू है ना इसको कहते हैं मैक्सिमम। अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम वैल्यू वो हम करेंगे फंक्शन में, तो फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ एक्स, इसमें पुट कर देंगे सी वन एक्स के प्लेस पर राइट। बात समझ में आई? हाँ सर। सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे सी वन एक्स के प्लेस पर, और इसका वैल्यू अगर नेगेटिव पॉजिटिव आता है ना सर एक एग्जांपल से बता देते हैं। आइए बताते हैं। सी टू पुट किया, ये वैल्यू आएगा पॉजिटिव, होगा वो होगा मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी एफ सी टू। दिस इज कॉल्ड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट उससे और बता देता हूँ, उसके बाद हम एग्जांपल्स लेंगे कुछ, ठीक है? जैसे ग्राफ का फंक्शन है मालूम, फंक्शन का ग्राफ ये है, ठीक है? ये मान लीजिए राइट। तो इसमें जो है मैक्सिमम मिनिमा कई एक है राइट, ये भी है मैक्सिमम और थर्ड वाला मैक्सिमम वाला, ये मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू ये है नहीं, ये आपकी मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। तो यहाँ जो है मिनिमम जो वैल्यू है कुछ मैक्सिमा से ऊपर है राइट। यस सर। तो ऐसे केसेस में हम यूज करते हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा नहीं, लोकल मिनिमा। यानी किसी पर्टिकुलर छोटे इंटरवल में हम चेक करते हैं राइट। जैसे यहाँ तक देख लिया, ये मैक्सिमम हो गया मिनिमम हो गया राइट, या यहाँ इस इंटरवल में देख लिया, ठीक है? मेरी बात समझ में आई कि नहीं? बट हमें जो बताना है आपको वो बताना है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये चैप्टर स्कूल में हो गया क्या? हाँ सर, ये लोकल मैक्सिमा करवा रहे हैं अभी, चल रहा है। हाँ सर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है बताइए तो मैं आपको। जैसे ये पॉइंट है,
ये पॉइंट है मान लेते हैं सी वन, सी मान लेते हैं राइट। तो मुझे बताइए अगर x का वैल्यू स्लाइटली लेस देन c है और उस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट कैसी होगी, उसका स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? यहाँ पर जो हमने एक पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ की इस वाले पॉइंट पर, पॉजिटिव ये टेंजेंट ड्रॉ की हमने, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नहीं बताओ, पॉजिटिव क्योंकि ये एक्यूट एंगल है राइट। हाँ सर, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा उसका साइन होगा पॉजिटिव, और ये वाला जो पॉइंट है ये हमने लिया है स्लाइटली लेस देन सी लेस देन सी नेगेटिव राइट। हाँ सर, और एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं एक्स का वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन सी लेकर, यहाँ जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप देखते हैं क्या आएगा। ये टेंजेंट है, इसका स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि जो एंगल है वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव राइट। हाँ सर, तो इसका मतलब ये केस जो है तभी होगा ऐसा जब हम डेरिवेटिव का साइन जो है ना, डेरिवेटिव का साइन स्लाइटली लेस देन ये स्लाइटली ग्रेटर देन की तरफ ले जाते हैं ना, गो थ्रू करते हैं इसे, तो डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं और ये साइन नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो पॉइंट सी होता है मैक्सिमम। Got it or not? हाँ सर। इसी तरह से मिनिमम में अगर चेक करते हैं ये साइन, तो मिनिमम में ये वाला पॉइंट ले लिया हमने, स्लाइटली लेस देन ये मान लेते हैं सी वन कोई पॉइंट राइट, या ए मान लो राइट, स्लाइटली लेस देन लेंगे अगर हम, ये ले लिया स्लाइटली लेस देन यानी कि, और ये ले लिया हमने पॉइंट, वाला पॉइंट मान लिया हमने ए माइनस राइट, और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका एंगल जो स्लोप होगा वो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा उसका साइन या नेगेटिव, नेगेटिव इसका साइन होगा नेगेटिव राइट, क्योंकि एंगल क्या है ऑप्शन से, तो इसका जो स्लोप होगा नेगेटिव स्लाइटली लेस देन लेने पर राइट। हाँ सर, पहले पॉजिटिव हो रहा था। हाँ सर, और एक टेंजेंट लेते हैं हम ड्रॉ करते हैं स्लाइटली ग्रेटर देन लेकर राइट, यहाँ पर यस सर, एग्जांपल से बता दे। हाँ एग्जाम्पल से बता दीजिए। हाँ एग्जाम्पल अभी लेंगे, इसका समय जो होगा वो आपका होगा एक्यूट एंगल राइट, ये वाला yes, इसका समय जो होगा वो होगा पॉजिटिव, तो ये ए ए जो होगा ए, ये पॉइंट कहलाएगा मिनिमम, और ये कहलाएगा मैक्सिमम।
एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? ओके सर, आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 26। इन्होंने पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखा आपने क्वेश्चन? हाँ सर। फंक्शन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो आप देखें एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? जीरो यस सर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर्स। और दिस इज एफ एक्स, सो एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर तो इसका डेरिवेशन नहीं करना पड़ेगा? इसमें तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वी नो अबाउट एक्स स्क्वायर, राइट? हाँ सर। और इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा? जीरो होगा जीरो। और मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? ओके सर। और वैसे भी इसको लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ हाँ यस है कि नहीं? हाँ सर। दिस इज पैराबोला। दिस इज पैराबोला। इस पैराबोला में हाइट कितना है? मिनिमम जीरो है कि नहीं? यस सर। इस पॉइंट पर हाइट जो है जीरो है। हाँ एफ जीरो पर जीरो हाइट है जो कि हाइट जीरो है, राइट? यस। और मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम तो ये हो गया मिनिमम वैल्यू, राइट? यस। और मैक्सिमा जो है मैक्सिमा इसका डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? यस। क्योंकि आगे कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसी मोड ऑफ एक्स के बारे में कह सकते हैं हम? मोड ऑफ एक्स के बारे में कह सकते हैं कि नहीं? हाँ सर। मोड ऑफ वो एक्स पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो। यही एफ एक्स है is always greater than equals to zero for all real number, right? हाँ। इसका ग्राफ आपको पता है? मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, राइट? दोनों केस। और अगर मान लेते हैं हम बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स का, तो एज वी नो द वैल्यू ऑफ साइन एक्स लाइंग फ्रॉम माइनस वन टू वन प्लस वन मीन्स एफ एक्स लाइंग फ्रॉम माइनस वन टू वन, तो इस केस में मिनिमम वैल्यू कितना होगा फंक्शन का? माइनस वन होगा। मैक्सिमम कितना होगा? माइनस वन। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? इन सम केसेस आप देखेंगे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दोनों लाई कर रहे हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से ये फंक्शन होता है एफ एक्स इक्वल्स टू थ्री एफ एक्स थ्री साइन एक्स, और फाइंड करना पड़ता है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितना कितना है। कैसे करते बताओ? डिफरेंशिएट करना, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। वी नो दैट साइन एक्स द वैल्यू ऑफ साइन एक्स लाइंग फ्रॉम माइनस वन टू वन, राइट?
यस एंड मल्टीप्लाई बाय थ्री सर, इस क्वेश्चन को डेरिवेटिव करने से नहीं हुआ, इसमें डेरिवेटिव करने की जरूरत ही नहीं है। ओके सर, तो इसमें क्या हुआ, मिनिमम वैल्यू कितना हुआ, थ्री हुआ, माइनस थ्री हुआ, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हुआ, थ्री हो गया, राइट। इसका ग्राफ जो बनेगा साइन एक्स का, वो तो बनेगा ये, कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू गया है इसका, वन तक, कहाँ तक गया इसका, माइनस वन, माइनस वन, इज इट क्लियर ना। यस, और ऐसे ये है, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, वन, थ्री तक जाएगा इसके लिए, ओ इसके थ्री, समझे नहीं, इसका हाँ सर, हाँ सर, तो थ्री का मल्टीप्ली हो गया तो हाइट बढ़ जाएगी ना, फंक्शन का वैल्यू बढ़ जाएगा रेंज। हाँ यस यस सर, यस, और समझ रही कि नहीं, हाँ सर समझ रहा, ये आपका जाएगा थ्री तक पॉजिटिव और माइनस थ्री का मिनिमम वैल्यू, राइट, यस यस, इज इट क्लियर। हाँ सर, ऐसे कॉस के लिए होगा, ऐसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे लिखा है एफ एक्स इक्वल्स टू टू साइन एक्स प्लस का फाइव है, तो स्टार्टिंग करेंगे हम साइन एक्स से, राइट, यस साइन एक्स ग्रेटर देन कर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, लेस देन वन और माइनस इक्वल टू माइनस वन, अब टू का मल्टीप्लाई कर दिया, अब माइनस टू टू साइन एक्स और टू, फिर प्लस फाइव, अब ऐड कर दिया फाइव, यस सेवन और थ्री, यस सो मैक्सिमम सेवन होगा और मिनिमम थ्री होगा, यस, इज इट क्लियर ना, यस, और दिस इज एफ एक्स। इस तरह से करेंगे, राइट, ओके सर, अब चलते हैं एक्सरसाइज पर, देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस थ्री, तो इनको सबको ऐसे करेंगे जो अभी बताया था हमने, यस है ना, एफ एक्स में कितना है, एफ एक्स कितना है, 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, प्लस 3, तुम्हें पता है इसके बारे में कि x माइनस 1 होल स्क्वायर इज लेस इज ऑलवेज इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट, एडिंग थ्री बोथ साइड्स दिस इज एफ एक्स, तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसकी थ्री और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही कुछ भी, ठीक है ना, क्लियर, यस। सेकंड वाला क्वेश्चन करके दिखा सकते हो, सेकंड पार्ट, यस, सेकंड पार्ट कैसे करेंगे,
इसी मेथड से कैसे करेंगे? सर कॉमन लेंगे, नहीं कॉमन नाइन सर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 पहले ऐसे करेंगे, इसमें से 9 कॉमन सर लेंगे, ये ऑनलाइन एक्स स्क्वायर यस प्लस 12 को 9 हो जाएगा करेक्ट और 3 ले लो बाहर, ठीक है ओके हो जाएगा ये 9 अब बनाएंगे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इसका, ठीक है आता है कैसे करते हैं? कैसे करते हैं परफेक्ट इसके कैसे बनाते हैं? तो -1 एक्स के वैसे कॉफिशिएंट के हाफ का इसका करेंगे, यानी कि 4/3 का करेंगे हाफ, जो कि हो जाएगा 2/3 और इसका करेंगे होल स्क्वायर जो कि हो जाएगा 4/9। इसको ऐड कर देंगे पहले और फिर कर देंगे माइनस, बात समझ आया कि नहीं? सर 9 का जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके लिए अलग, 9 9 का मल्टीप्लाई करेंगे -4 + 2, इज इट क्लियर? यस ये कितना हो जाएगा? 2/3 का माइनस। अब बताओ समझ में आया यहाँ तक? हाँ सर अब इसे करेंगे ऐसे, आओ इस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यस 9 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, -2 कर दो सर इसका और कोई मेथड नहीं है छोटा सा दूसरा मेथड भी है, आइए बताते हैं। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया? -2 हो गया, राइट? यस सेकंड मेथड देखो, उसके लिए क्या करेंगे, हमें ये देखना पड़ेगा कि एक्स की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है एफ एक्स का, राइट? यस डेरिवेटिव करेंगे उसके बाद जो है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यस सर 18x प्लस 12 इक्वल टू 0 या 18x इक्वल टू -12,
तो एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू कितना माइनस 12 अपॉन 6 बाय नहीं 4 बाय 9 वो भी नहीं आया एक मिनट माइनस 2 अपॉन 3 6। अब इसके लिए मैक्सिमम या मिनिमम होगा ठीक है ना। अब क्या करते हैं मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा ये देखते हैं। आप ऐसे करें ये वैल्यू ये पहले सेकंड डेरिवेटिव करें इसका सेकंड डेरिवेटिव कितना होगा सेकंड डेरिवेटिव 18 होगा सर 18 होगा तो ये तो पॉजिटिव है राइट यस सर फॉर ऑल रियल नंबर बिलोंग्स टू रियल नंबर हम कहेंगे एट एक्स इक्वल टू नंबर आया ना यस ये पॉजिटिव हो गई यानी कि इस नंबर के लिए ये होगा मिनिमा बताया था हमने आपको कि नहीं पॉजिटिव आता है नेगेटिव आता है तो वो पॉजिटिव आता है मिनिमा होगा राइट सेकेंडरी मतलब x इक्वल टू माइनस 2/3 के लिए एफ एक्स का वैल्यू मिनिमम आएगा और मिनिमम वैल्यू कितना होगा वो चेक कर लेंगे यहाँ पुट कर लेंगे हम माइनस का 2/3 यहाँ पुट करेंगे 9 मल्टीप्लाई 4/9 प्लस 12 मल्टीप्लाई माइनस 2/3 प्लस 2 सॉल्व कर लो इसे ये 4 हो गया और ये 8 हो गया माइनस 8 हो गया और प्लस 2 हो गया राइट माइनस 2 आ गया कि नहीं हाँ सर ये मिनिमम वैल्यू आया बात समझ आई कि नहीं बताओ सर तो मैक्सिमम के लिए मिनिमम वैल्यू आएगा माइनस 2 मिनिमम वैल्यू होगा एफ एक्स का सर तो ग्रेटर देन 0 के लिए वो मैक्सिमा है पर मिनिमम वैल्यू आएगा नहीं ग्रेटर देन 0 सेकंड डेरिवेटिव आता है ना एक्स की इस वैल्यू के लिए यहाँ तो आ ही रहा है वैसे भी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है तो इस वैल्यू के लिए एफ एक्स का वैल्यू मिनिमम आएगा इसका वैल्यू ओके सर बात समझ आई कि नहीं बताओ हाँ सर अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट करके दिखाओ कितना आया एक मिनट का क्वेश्चन है विद इन वन मिनट में हो गया हेलो हो गया अच्छे तो सर इसका तो डेरिवेशन कैसे करें मॉड करना ऐसे उस तरीके से करना है मोड वाले तरीके से मोड वाले तरीके मोड वाले तरीके से करना है ऐसे मोड एक्स को ये पॉजिटिव जैसे आपको मालूम है मोड ऑफ एक्स प्लस टू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू इवन कर लेना अभी ठीक है ना यस माइनस वन कर देंगे तो मोड ऑफ
एक्स प्लस टू, ओ सॉरी,